एंड आज हम बात करने वाले हैं ज्वाइंट इंडियन आर्मी, मतलब एक रिक्रूटमेंट आई हुई है इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स के लिए। और इसके सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एज लिमिट 27 इयर्स है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑफिसर्स बनते हैं उनकी एज लिमिट 23-24 साल पर ख़त्म हो जाती है CDS वगैरह के बाद, लेकिन यहाँ पर 27 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं है, ये फॉर्म एकदम फ्री का है। और तीसरी बात कि आपको अधिकारी बनने का मौका मिलता है, अगर आप 12th के बाद NDA नहीं ज्वाइन कर पाए, ग्रेजुएशन के बाद CDS नहीं ज्वाइन कर पाए, या और भी कई तरीके होते हैं जिससे आप नहीं जा पाए हैं और आपको लग रहा था कि आप ओवर एज हो गए हैं, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये अनमैरिड पहले आप होना चाहिए, मेल्स के लिए है सिर्फ, लड़कियों के लिए ये नहीं है। और ये 130वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है और इसका जो शुरुआत होगा जनवरी 2020 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में किया जाएगा। 49 वीक की ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा एज अ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। और सैलरी और पर्क्स जो होते हैं वो CDS और NDA के थ्रू जाते हैं, उन्हीं के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो आपकी नेशनैलिटी ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। तो फिलहाल तो मेरे सब्सक्राइबर्स सारे इंडियंस हैं, तो मैं इंडियंस पे फोकस करता हूँ, ये इंडियंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 20 से 27 साल है, 1 जनवरी 2020 को आपका होना चाहिए। यहाँ पर डेट दिया गया है कि 2 जनवरी 1993 से 1 जनवरी 2000 के बीच जो भी लोग पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरिटिकुलस और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसको माना जाएगा। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका जो है, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट भी हैं B.tech में या फिर M.SC में, तो आप भर सकते हैं। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग आपका यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसीज हैं और अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी है। तो अभी हम देख लेते हैं, फिलहाल इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि कैंडिडेट मस्ट नोट दैट फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, मतलब आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा कमीशन के पहले। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज पासिंग BE/BTech डिग्री इन द इंजीनियरिंग स्ट्रीम एज नोटिफाइड बिलो इन पारा 3। Therefore, to become eligible to for induction into TGC 130 course at IIM Dehradun, candidate studying in final years of engineering must ensure that he submits the proof of his passing engineering degree exam by 1 January 2020। मतलब इससे पहले आपको आपका जो passing certificates और degree वगैरह होती है, result वगैरह होता है, आपको मिल जाना चाहिए और आप pass होने चाहिए, ये नहीं कि आपको back लग गया। To Directorate General of Recruitment, failing which his candidature will be cancelled। ठीक है, अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर को यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। वैकेंसीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन सब में से किसी में अगर आपने BE किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 वैकेंसीज हैं। आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी टोटल 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पर भी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप अगर M.SC कंप्यूटर साइंस भी हैं, मतलब बाकी में BE/BTech है, यहाँ पर आपकी M.SC कंप्यूटर साइंस वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और खास करके मेरे चैनल पर बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने M.SC कर रखा होगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, ज़रूर भरें। खोने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर पाएंगे तो पा जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। 8 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के भी काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए 5 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में 1, और ऐसे करके ही 2-3 और हैं, मैं ये आप देख लीजिए। उसके बाद ये चेंज भी हो सकते हैं, मतलब वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। टाइप्स ऑफ आपका जो कमीशन होगा वो यहाँ पर देखिए, परमानेंट कमीशन आपको मिलेगा और आर्मी की जो रैंक लेफ्टिनेंट होती है ऑफिसर्स जाके जहाँ से रैंक की शुरुआत होती है लेफ्टिनेंट की, वो आपको मिलेगी। आपकी 49 वीक की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग थोड़ी टफ होती है लेकिन मैक्सिमम लोग कर जाते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इतनी होती है पर वीक आपकी 10,247 जो कि सरकार के द्वारा उठाई जाती है, लेकिन अगर आप इसको छोड़कर भाग जाते हैं या फिर आप जो है गिवअप कर देते हैं कि आपको ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको पूरा ट्रेनिंग कॉस्ट वहाँ पर पे करना पड़ता है। उसके बाद फाइनल एलोकेशन आपको आपकी ट्रेनिंग के बाद, आपको परमानेंट कमीशन के बाद आपकी पोस्टिंग की जाती है। ये आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर है कि लेफ्टिनेंट आप कमीशन होने बनते हैं, उसके बाद कैप्टन बनते हैं 2 साल बाद, उसके बाद मेजर बनते हैं 6 साल बाद, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं 13 साल बाद, फिर
कर्नल टीएस बनते हैं आप 26 साल बाद, और उसके बाद जो ये कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल है, ये सब में आपका क्या होता है कि हायरार्की आ जाती है, तो कुछ ही लोग जिनके सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है वो ऐसे उसके बाद जो है प्रमोशन पाते जाते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं कर्नल वगैरह तक, मेजर कर्नल तक। उसके बाद आपका पे स्केल जो है यहाँ पर दिया हुआ है 56,100 से लेकर 1,77,500 वाला लेवल 10 का है लेफ्टिनेंट के लिए, जो कि बहुत अच्छा है। और आपका फिर उसके बाद आपका मिलिट्री सर्विस पे का आपका ये आपका 15,500 रुपये का है। उसके बाद आपकी 56,100 रुपये पर मंथ स्टार्टिंग लेवल की जो सैलरी होती है। इसके बाद आपको डीए वगैरह मिलता है, अगर आप पायलट वगैरह रहते हैं तो फ्लाइंग अलाउंस मिलता है, तो ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। अदर अलाउंस होता है, डियरनेस अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस आपको मिलता है 20,000 पर मंथ पर ईयर। आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 20,000 रुपये पर ईयर। तो सियाचिन में अगर आप हैं तो आपको 42,500 रुपये पर मंथ अलग से मिलते हैं। तो बहुत सारा पैसा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है अपनी इंडियन आर्मी में, ठीक है। आप मतलब उतनी सैलरी ग्रेजुएट लेवल के जॉब में नहीं पा सकते स्टार्टिंग में। उसके बाद फ्री राशन वगैरह मिलता है, दुनिया भर के पे एंड पर्क्स है। तो कुल मिलाकर जॉब के बारे में आपको पता चल गया है, उसकी वैकेंसी के बारे में आपको पता चल गया है, आपको भरना कैसे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप जो है उसको भरिए और अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप पिछले समय में तैयारी कर रहे होंगे और सारे एग्ज़ाम्स की, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा, और क्या पता आपकी किस्मत जो है अच्छी हो और आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद। और इससे जुड़ी हुई आगे की जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे SSB वगैरह होता है, उसके बारे में हम लोग बाद की वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करके पहुँचाने का कष्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाइट वेट चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जय जय हिंद।